नमस्कार दोस्तों, MKND परिवार में आपका स्वागत है। और आज हिस्ट्री की क्लास को मैं एक मोटिवेशन के कोट के साथ शुरू करूंगा। लग चुकी हो तलब मंजिल की, तो खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, तो हौसला कहता है देख लेंगे। चलिए तो हिस्ट्री की क्लास शुरू करते हैं। हम हिस्ट्री को कहते हैं इतिहास। और इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस, अब इसको हम तीन भागों में पढ़ेंगे। प्राक इतिहास, आद इतिहास और ऐतिहासिक। इसको कहेंगे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल। इसमें प्राक इतिहास में क्या होता है, हमको कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लिखित साक्ष्य या लिखित प्रमाण नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होगा, लिखित प्रमाण पाया तो गया है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। लिखित प्रमाण उपलब्ध लेकिन अपठित। और इसमें ऐतिहासिक में मिला भी है, लिखा भी गया है और पढ़ा भी जा सकता है। तो इसको हम चार भागों में पढ़ेंगे। एक तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास। ये हो गए आपके चार भाग। अब हम शुरुआत करेंगे प्रोटो हिस्ट्री से, प्री हिस्ट्री से। इससे तो इसमें प्राक इतिहास में हम पढ़ेंगे पाषाण काल। अब इसको पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पत्थरों का प्रयोग होता था, या तो इसको कह लें स्टोन एज। अब इसके भी भाग हैं, तो इसके भाग होंगे खोरा पाषाण काल, नंबर दो मध्य पाषाण, नंबर तीन नवपाषाण और नंबर चार उत्तर पाषाण। नवपाषाण, नंबर चार उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण को हम ताम्र पाषाण काल भी कहेंगे, क्योंकि इसमें तांबे की खोज हुई थी, ताम्र पाषाण। अब पूरा पाषाण में क्या हुआ, जो हमारा मानव था
वो खानाबदोश था, सिर्फ खाने पर ही आश्रित था खानाबदोश। और आखिर शिकार करता था, शिकारी था, और आग की खोज जो है इसी काल में हुई, आग की खोज। मध्य पाषाण में क्या हुआ? छोटे हथियार और अंत्योष्टि कार्यक्रम, छोटे हथियार और अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि जो दाह संस्कार की प्रक्रिया इसी काल में, मध्य पाषाण काल में ही प्रारंभ की गई। इसके पहले जो ऐसे ही जानवरों को खिला दिया जाता था, आदमी जो खत्म हो जाते थे। और फिर नव पाषाण में क्या हुआ? खेती की शुरुआत हुई, खेती की शुरुआत नव पाषाण काल में हुई। स्थायी आवास, जब खेती करने लगे तो आवास की जरूरत पड़ी, तो स्थायी आवास। और जो जानवर पाला गया, कुत्ता, सबसे पहले कुत्ता को पाला गया। और उसके बाद पहिया का आविष्कार हुआ। उसके बाद पहिया के आविष्कार के बाद मनका की खोज, यानी मटका, जो अनाज रखने के लिए हमें जो जरूरत पड़ी, जब खेती हुई, अनाज पैदा हुआ, तो मटके की जरूरत, अनाज किसमें रखा जाए, तो मटके की खोज हुई, मटके की खोज हुई। और ताम्र पाषाण में तो तांबे की खोज हुई ही है, ताम्र पाषाण काल तांबे की खोज। इसमें तो ये हुआ ही है। और आपको बता दें, जो पहली खेती हुई थी, पहली खेती वो गेहूं और जौ की थी, गेहूं और जौ। और ये कहां पर हुई, कब हुई और किन पहाड़ियों के बीच में हुई? तो ये जो खेती थी, ये 7000 ईसा पूर्व हुई। और पाकिस्तान के मेहरगढ़ में हुई, पाकिस्तान के मेहरगढ़। और किन दो पहाड़ियों के बीच हुई? तो सुलेमान और गिरधर, सुलेमान गिरधर। ये दो पहाड़ियां थी जिनके बीच में ये खेती हुई थी। और इसके जो जनक हैं प्राक इतिहास के, रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं, ये जनक। पुरापाषाण काल जो होगा, खानाबदोश मानो शिकारी कच्चा मांस खाता था, आग की खोज इसी काल में हुई। आग की खोज से आदिमानव को ये फायदे हुए, मांस भूज कर खाने लगा, ठंडी में आग जलाने लगा, जिससे उसको बहुत फायदे हुए। मध्य पाषाण काल में छोटे हथियार और अंत्योष्टि कार्यक्रम की खोज, नव पाषाण में खेती, स्थायी आवास, कुत्ता, पहिया, मटके, और ताम्र पाषाण उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज। पहली खेती गेहूं जौ 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुलेमान व गिरधर पहाड़ियों के बीच में हुई। इसके प्राग इतिहास के जनक
रॉबर्ट ब्रूसफुट, और अब आपको आगे पढ़ाएंगे आदि इतिहास। प्रोटो हिस्ट्री, तो इसके जनक के भी बारे में पूछा जाए तो इसको अलग अलग लोगों ने विभाजित किया है। तो इसकी इसमें सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। आदि इतिहास में सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित है, ग्रामीण क्षेत्रों पर है, और इसकी खोज जानकारी संबंधित और इसका आकार कैसा है तो ये सब हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो इसका आकार जो है लगभग त्रिभुजाकार, लगभग त्रिभुजाकार है। लगभग में लिखेंगे क्योंकि इसका सिर्फ ऐसे भी हो सकता है, यानी इक्वल जो है वो ट्रायंगल शेप में नहीं होगा। तो इसकी जानकारी जो है, जानकारी किसने दी, तो इसकी जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी कि कोई सिंधु सभ्यता भी है। और एरिया कितने एरिया में फैला हुआ है इसका, इसकी जानकारी जो है जेम्स कनिंघम ने लिखी थी। एरिया जेम्स कनिंघम, कितनी एरिया में है, 13 लाख किलोमीटर, 13 लाख। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख किलोमीटर, कितना डिफरेंस है, 2 किलोमीटर। और ये सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे पर है, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी के किनारे पर है। और इसका जो नामकरण किसने किया, नामकरण जॉन मार्शल, नामकरण के विषय में पूछेंगे तो हम जॉन मार्शल को बताएंगे, जॉन मार्शल। और सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने करवाई, तो दयाराम साहनी, खुदाई दयाराम साहनी। इतना आपका क्लियर हुआ आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में
किसकी खोज की गई सिंधु सभ्यता, जो कि ग्रामीण है, आकार लगभग त्रिभुजाकार है और सिंधु नदी के किनारे पर है। जानकारी सिंधु सभ्यता के विषय में किसने दी? चार्ल्स मेसन ने। एरिया का विभाजन किसने किया? जेम्स कनिंघम। कितनी दूर में है? तो एरिया इसका कहेंगे 11 लाख किलोमीटर में है। और भारत का क्षेत्रफल 32 लाख किलोमीटर। नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। और खुदाई दयाराम साहनी ने। तो अब सिंधु सभ्यता के जो राज एरिया हैं कैसे हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों एरियाज के नाम बताऊंगा और उनको याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो अब चलते हैं आगे। सिंधु सभ्यता के एरिया सुपका, गैंडोर, मांडा, सुपका, गैंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, आलम, गीरपुर, और चौथा जो हमारा होगा दायनवाद। दायना बात अब बात होगी ये किन नदियों के किनारे है। तो सुतका, गैंडोर, दास्क नदी। मांडा किस नदी पर स्थित है? मांडा चिनाब नदी, चिनाब नदी। अब हमारा अगला आता है आलमगीरपुर। अगला हमारा आता है आलमगीरपुर। तो आलमगीर हमारा हिंदन नदी पर स्थित है। हिंदन नदी, और दायमाबाद। तो दायमाबाद हमारा होगा प्रावरा नदी। प्रावरा नदी। तो मैं आपको याद रखने की एक जो ट्रिक बता रहा हूं वो है जोड़ना को हिंदी में क्या कहते हैं? सम। ट्रिक हिंदी में क्या कहते हैं? सम। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एट। सा से हो गया सुतका गैंडोर, सा से हो गया हमारा सुतका गैंडोर, मा से हो गया मांडा, ए से हो गया आलमगीरपुर, और डी से हो गया दायनोवा। इतना क्लियर हुआ? सिंधु सभ्यता वाले राज्य सुतका गैंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाद। किस नदी के किनारे हैं? सुतका गैंडोर, दास्क नदी, मांडा, चिनाब नदी, आलमगीरपुर, हिंदन नदी, दायमाबाद, प्रावरा नदी। ट्रिक जो है आपको मैंने दी, ये ट्रिक जो दी मैंने आपको, सम इज इक्वल टू एड। हिंदी में कहते हैं सम, इंग्लिश में कहते हैं एड। सा से हो गया सुतका गैंडोर, मा से हो गया मांडा, ए से हो गया आलमगीरपुर, डी से दायनोवा। अब नदियों को याद करने की जो ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूं डच है। आपको जो ट्रिक मिलेगी नदियों के लिए, इस पार्ट के लिए जो आपको ट्रिक मिलेगी वो है डच है पर, डच है पर भारत में नहीं, भारत में नहीं। ये ट्रिक हो गई आपकी। तो हमको क्या करना है? हमारा जो हमको जरूरत है वो इतने की है। इतना हमको क्या करना है? ये हमारा
साइलेंट हो जाएगा। डच है पर भारत में नहीं, भारत में नहीं, क्या कर देना है, साइलेंट कर देना है। डच है, डा से हो गया हमारा दास, दास का नदी, चा से हो गया चिनाब, हा से हो गया हिंदन, और जो ये पर है वो हमारा हो जाएगा प्रावधान नदी। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।